फ्रेंड्स वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 9 फिजिक्स एंड टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। And after this we are discussing some other different type of the forces। तो first हमारा इसमें concept है force and the types, कि force क्या है और इसके कितने type होते हैं। दूसरा हमारा इसमें term आएगा inertia, तीसरा आएगा Newton first law of motion जो inertia की हम लोग कहते हैं, फिर चौथा point हमारा आएगा इसमें momentum, पाँचवा point आएगा Newton second law of motion जिसको हम proof करेंगे, फिर आएगा 6 हमारा आएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड 7 आएगा रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड हमारा पॉइंट होता है। तो इसमें आया कि पहले की फर्स्ट व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या है। तो फोर्स इज द एन एक्सटर्नल इफर्ट विच मे मूव ए बॉडी एट द रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। एंड दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स, तो जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोर्स, तो फोर्स का मीनिंग होता है जनरली पुश और पुल। हम किसी चीज़ को धक्का दें या अपनी तरफ खींचें यानी पुश एंड पुल। तो अगर हम पुश एंड पुल की अगर बात करें तो अगर हम उस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो उसमें हमको दिखेगा कि दैट इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस ऑब्जेक्ट भी चेंज द पोजिशन, कि वह ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन को चेंज करता है। जैसे मान लो हम घर पे एक दरवाजे को बंद करते हैं या खोलते हैं, तो इस प्रोसेस में हम पुशिंग या पुलिंग कैच अप्लाई करते हैं और ऐसे में द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द डोर, उसमें जो डोर जो फाटक लगा रहता है उसके पोजिशन में क्या होता है, चेंजिंग होता है। तो दैट मीन्स चेंजिंग द पोजिशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो अगर हम इसको अगर हम सीधे कहें कि दैट मीन्स दे आर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, कि यह फोर्स का एक एप्लीकेशन है एंड एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स आर द डिफरेंस टाइप। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट ए फोर्स चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वह उसके शेप को चेंज कर सकता है, चेंज द साइज उसके आकार को चेंज कर सकता है। सेकेंड चेंज द पोजिशन, फोर्स के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक साइक्लिस्ट, दे आर द स्टैंडिंग एंड ए पोजिशन बट दे आर द राइडिंग, जो ही अपने साइकिल पर फोर्स लगाता है दे आर द कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द मोशन, जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स चेंज द पोजिशन, वह एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो इस तरह से वह जैसे मान लो हमने फोर्स लगाया तो यह कहीं से हमने उठा के यहाँ कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, तो चेंज द पोजिशन। तीसरा होता है चेंज द स्पीड, हम फोर्स के थ्रू किसी मूविंग बॉडी को हम उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ए बॉडी कम टू रेस्ट टू मोशन, कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकता है और बाय इफेक्ट ऑफ द फोर्स ए बॉडी कम फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। तो जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में जाता है उसी तरह से कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें चेंज द डायरेक्शन, अगर कोई मूविंग बॉडी है एंड दैट मीन्स अप्लाइड द फोर्स ऑन इट, तो इन दिस केस दिस ऑब्जेक्ट चेंज द डायरेक्शन, वह अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एज लाइक जैसे मान लो एक क्रिकेटर है, एक बॉलर होता है एक बैट्समैन होता है, तो एक बॉलर जब गेंद को फेंकता है तो बैट्समैन जब इसको हिट करता है तो इन दिस केस दे आर द डायरेक्शन भी चेंज, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दैट मीन्स डिफरेंट कॉजेज ऑफ द फोर्स। तो अब इसमें दिया है कि इफेक्ट ऑफ द फोर्स में वही पॉइंट हमने जो एक्सप्लेन किया है यहाँ पर काउंट किया गया है, फोर्स वी कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे फोर्स की बात किया है तो यहाँ पे साइड लिखा है SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज द न्यूटन, या इसको हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इन वन वर्ड दे आर द नोन एज द न्यूटन। तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ द फोर्स एंड देयर CGS यूनिट इज द डाइंस, और फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वह डाइंस होता है। तो एक न्यूटन की अगर हम बात करें कि एक न्यूटन की जो वैल्यू होता है वह 10^5 डाइन के इक्वल होता है। एंड दैट मीन SI यूनिट की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं MKS एंड CGS, तो MKS में हम न्यूटन लिखते हैं और इसमें
सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं हम लोग टाइम, और एक न्यूटन की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकली वह 10^5 डाइन के इक्वल होता है। यानी अगर हम बात करें तो 1 लाख डाइन्स को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स एंड न्यूटन इज द एमकेएस यूनिट ऑफ द फोर्स। तो न्यूटन इज द ए वर्ड्स दे आर द गिवेन ए सिंगल वर्ड ऑफ द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आता है अगले पॉइंट पर हम आते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट समथिंग।